नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस जारी होते ही आप लोगों ने जिस फुर्ती के साथ मैसेजेस की बौछार की कि पाठ्य पुस्तकें हट गई हैं मैम, पाठ्य पुस्तकें हट गई हैं, उनसे मुझे पता चल गया, अनुमान लग गया मुझे कि आप कितने व्याकुल हैं। आपको ये लग रहा है कि पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम से हट गई हैं, तो जो तैयारी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित आप लोगों ने कर ली है वो आपकी बेकार हो गई। लेकिन नहीं दोस्तों, हर स्थिति के दो पक्ष होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इसके भी सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है तो वो सारे कवि जिन पर हमने चर्चा की वो आपके पाठ्यक्रम में है, तो उनसे संबंधित जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पहले थी। दूसरी बात, हम अगर कवि को पढ़ लेते हैं, उसकी दो चार कविताएं पढ़ लेते हैं, तो हम उस भावभूमि से परिचित हो जाते हैं जिस आधार पर कवि अपनी रचनाएं लिखते हैं, तो हम उनके काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे भी अवगत हो जाते हैं। जैसे हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ा, तो जब हम कामायनी पढ़ेंगे तब हमारे लिए ये पृष्ठभूमि का काम करेगी। तो आप बिल्कुल भी निराश न हो, बल्कि खुश होइए कि 12 पुस्तकों से आपका पीछा छूट गया है। बहुत लेंदी सिलेबस था, बहुत बड़ा सिलेबस था और उसको पूरी गहराई से पढ़ने के लिए बहुत सारे समय की जरूरत थी, लेकिन अब सब कुछ हमारी सीमाओं में है, हमारे दायरे में है, हमारी सामर्थ्य में। तो चलिए, इससे पहले कि मैं संत कबीर पर बात शुरू करूं, क्योंकि हमारी जो अन्य रचनाएं लगी हुई हैं स्नातक स्तर की, उनसे हम बात अपनी शुरू करेंगे, तो स्नातक स्तर की उन रचनाओं में सबसे पहला नाम आता है संत कबीर का, और संत कबीर की कबीर ग्रंथावली के कुछ चुने हुए अंश श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित अंश हमारे पाठ्यक्रम में है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम जिस तरीके से पहले चल रहे थे कि हम कविताएं कवि की पढ़ रहे थे और उसके बाद हम प्रश्न कुछ हल कर रहे थे जिससे कि हम अपने सामर्थ्य को पहचान सकें कि कितना हम लोगों ने समझा है, यहाँ पर हम क्योंकि बहुत विस्तृत है पाठ्यक्रम, संत कबीर का बहुत 5 अंग लगे हुए हैं कोर्स में, 10 पद हैं, तो उस स्थिति में जब हम इस पूरे कबीर के पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, तब एक अलग से क्विज की तरह से एक प्रश्नोत्तरी हम आयोजित करेंगे जो केवल और केवल कबीर और उनके साहित्य पर आधारित होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर। उम्मीद करती हूँ कि ये सिलेबस आपको आराम से दिख रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़नी है, और व्याकरण के ये टॉपिक है जो हर परीक्षा में दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जितने भी ये व्याकरण के बिंदु हैं, व्याकरण के टॉपिक हैं, ये सब आप स्कूल के स्तर से पढ़ते चले आए हैं। और दूसरी बात कि आप जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें ये अंश तो अनिवार्यतः होता ही है, तो इस अंश से घबराने की तो आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम इसको पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इसे सबसे बाद में उठाएंगे, ताकि आपको, मैं जानती हूं कि ये व्याकरण आपके सारे जाने पहचाने बिंदु हैं और इनमें केवल और केवल आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, तो इसलिए इन्हें बाद में उठाएंगे। अब दूसरे अंश पर आते हैं, अब देखिए दूसरा अंश है स्नातक स्तर का, इसमें ये काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक्स हैं, शब्द शक्तियों के भेद हैं, उदाहरण है, बहुत सरल है, काव्य की रीतियां हैं, काव्य गुण हैं, काव्य दोष हैं, काव्य दोष भी कुछ चुने हुए काव्य दोष ही हैं, जैसे श्रुति कटुत्व है, ग्राम्यत्व है, अप्रतीतत्व है, क्लिष्टत्व है, आक्रमत्व है, और दुष्क्रमत्व है, तो इन दोषों पर हमें चर्चा करनी है। उसके बाद अलंकार आते हैं, अलंकार वैसे तो हम साथ ही साथ जो भी अलंकार आता है उस पर चर्चा करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम इनको अलग से पढ़ेंगे। छंद गिने चुने हैं, रस का स्वरूप और रस के अवयव और रस के भेद हैं,
तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद का जो अंश है वो है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन। और हर काल का आपको काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार पढ़ने हैं। आदिकाल में भी यह पढ़ना है, भक्ति काल में भी ये पढ़ना है, रीति काल में भी ये पढ़ना है और आधुनिक काल में भी ये पढ़ना है। और इन सब के साथ कविता का पूरा इतिहास तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ क्योंकि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं तो गद्य का विकास भी पढ़ना है और गद्य की जो विधाएं आधुनिक युग में विकसित हुई हैं उन विधाओं के विषय में भी गहरी जानकारी प्राप्त करनी है। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से गहराई से एक एक टॉपिक को उठाएंगे, पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा देने की सामर्थ्य को बिल्कुल चरमोत्कर्ष तक विकसित कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और ये सारा का सारा टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको आप उन वीडियोस को देखकर बार बार देखिए और इस सामर्थ्य को अपनी मजबूत कीजिए, इस पक्ष को अपने मजबूत कीजिए। अब आता है अब आती हैं ये रचनाएं जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज से ही। कबीर ग्रंथावली है, साखी के 5 अंग हैं और 10 पद हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं। रामचरितमानस का बालकांड है, बहुत ही विस्तृत रचनाएं हैं दोस्तों। और इन रचनाओं को पढ़ने की सबसे ज्यादा मुश्किल आपको इन रचनाओं में ही आने वाली है, क्योंकि कोई भी एक पुस्तक इन रचनाओं को उतने अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाएगी और जिससे कि आप इन पर आधारित प्रश्न कर सकें। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि हम सबसे पहले इन पर अपना अधिकार करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा अपने मन को, मूड को बदलने के लिए, अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए और आनंद के लिए हम काव्य शास्त्र के टॉपिक्स भी सुविधानुसार, छोटे छोटे टॉपिक जैसे एक बार शब्द शक्ति ले लिया, एक बार कभी अलंकार, 2 अलंकार पढ़ लिए, ऐसे करके हम उस काव्य शास्त्र के टॉपिक को साथ के साथ चलाएंगे। जब इनके साथ में काव्य शास्त्र पूरा हो जाएगा तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बिंदुओं को उठा लेंगे। तो ऐसे करके हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, निराश न हो, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। कोर्स बहुत कम हो गया है, हम बहुत आसानी से इसे गहराई से पढ़कर अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और सबसे पहले क्योंकि हम संत कबीर पर बात करने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के, संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं और या कहें कि संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। अब ये सभी स्मरणीय बिंदु देखिए, मैं स्मरणीय बिंदु लिखती हूं, जब मैं स्मरणीय बिंदु लिखती हूँ दोस्तों तो आपको समझ लेना है कि ये बिंदु तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, क्योंकि ये वो बिंदु होते हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पहले आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। तो भक्ति काल की 2 काव्यधाराएं हुई मोटे तौर पर, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। और उस निर्गुण काव्यधारा में भी 2 धाराएं हुई, कौन सी? संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर, ये आपको ध्यान में रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में इस पर प्रश्न आ चुका है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले विद्वान कौन है, तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सबसे पहले सदुकड़ी भाषा कहा, इस पर भी प्रश्न आ चुका है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी शब्द से पहचान देने वाले विद्वान कौन से हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा। सदुकड़ी का मतलब होता है साधुओं की भाषा। अब साधु क्योंकि सामान्यतः भ्रमणशील जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, तो स्वभावतः अनजाने ही उनकी भाषा में अलग अलग स्थानों की भाषाओं के शब्द समाहित हो जाते हैं और वो एक प्रकार की मिश्रित भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। और उसी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है, जो कि कबीर की भाषा है। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास, जिनकी कबीर ग्रंथावली हम पढ़ने वाले हैं, वो उन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, बात एक ही है, केवल शब्दों का अंतर है।
कबीर की भाषा में ध्यान देना है आपको, ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं, अवधी भाषा के शब्द मिलते हैं, हरियाणवी भाषा के शब्द मिलते हैं, खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है, और यहाँ तक के अरबी फारसी भाषाओं के शब्दों की भी प्रधानता है। कबीर ऐसा माना जाता है कि लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे चलें। अब कबीर के जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कबीर के जन्म का वर्ष, कबीर का जन्म स्थान, कबीर की मृत्यु का वर्ष, कबीर का मृत्यु का स्थान, इसके अलावा उनके परिवार से संबंधित सभी बिंदु विवादास्पद हैं। यहाँ जो हम दे रहे हैं वो सर्वमान्य मत के अनुसार, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है कि सर्वमान्य मत के अनुसार ये है। अब जन्म कब माना गया है? विक्रम संवत 1455। विक्रम संवत 1455 अगर किसी पुस्तक में आप लिखा हुआ देखते हैं और आपको सन में अच्छी तरह से याद होता है तो आप उसमें से 57 घटा देंगे तो आपके पास सन की तिथि आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आप विक्रम संवत भी याद रखें और सन भी याद रखें। क्यों? क्योंकि परीक्षा में कभी कभी विक्रम संवत आता है तो कभी कभी सन आता है, तो उस स्थिति में आप भ्रमित हो सकते हैं, आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो विक्रम संवत 1455 में यानी सन 1398 यानी ईस्वी 1398 में सोमवार के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को आपका जन्म हुआ और आपने स्वयं यानी कबीरदास ने स्वयं अपनी इस साखी के अंतर्गत जिक्र किया है 1455 साल गए यानी 1455 वर्ष बीतने के बाद। इस दोहे के आधार पर उनके जन्म का वर्ष 1456 भी बताते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है 1455 साल गए यानी 1455 वर्ष बीतने के बाद चंद्रवार यानी सोमवार को एक ठाट ठहे एक दिन ज्येष्ठ मास, जेठ ज्येष्ठ मास, सुदी शुक्ल पक्ष, बरसात की ऋतु, पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए हम। तो ये उन्होंने खुद इस दोहे के अंतर्गत लिखा है, तो इससे भी इस तिथि की पुष्टि होती है। जन्म स्थान आपका काशी उत्तर प्रदेश रहा। आपकी मृत्यु विक्रम संवत 1675 में यानी 1518 ईस्वी में मगहर एक स्थान है काशी के निकट ही, वहां हुआ। और दोनों ही स्थान यानी जन्म स्थान और मृत्यु स्थान दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब इस दोहे के द्वारा हम उनकी मृत्यु को अच्छी तरह कंठस्थ कर सकते हैं। ये जितने भी दोहे हैं इनको आप एक कागज पर लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिए और आपको ये रटने ही हैं ताकि आप इन तिथियों को कभी भूलें नहीं। तो संवत 1575 कियो मगहर को गौन, यानी कबीरदास जी लिख रहे हैं कि संवत 1575 में वो मगहर की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया, गमन किया। गौन गमन किया। माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन से पौन, और माघ महीने की एकादशी तिथि के दिन यानी ये भी शुक्ल पक्ष है और ये भी शुक्ल पक्ष है, बदी कृष्ण पक्ष होता है। माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन यानी उनकी जो पवन है यानी उनकी जो सांसें हैं वो अनंत में विलीन हो गई यानी परम ब्रह्म में मिल गई। तो इसके द्वारा उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि भी क्या भी संकेत कर दिया है। आगे चले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं, माता पिता आपके नीरू नीमा माने जाते हैं जो कि जुलाहा दंपति थे और संतानहीन थे। एक लोक श्रुति के अनुसार ऐसा लोक में प्रचलित है, अब ये कितना प्रामाणिक है इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये प्रचलित है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लाज के भय से बालक कबीर को काशी के लहर तालाब के किनारे छोड़ दिया था जहाँ से संतानहीन नीरू नीमा दंपति ने इन्हें प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र और पुत्री का नाम, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। आगे चले। अब रचनाओं की बात करते हैं, लेकिन रचनाओं की बात करने से पहले आपको कबीर के विषय में ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, यानी जिसने कभी स्याही और कागज का स्पर्श नहीं किया। देखिए इस वाक्यांश के द्वारा व्यंजना क्या है कि कभी पढ़े ही नहीं, पढ़ाई की ही नहीं, जब हाथ कागज को हाथ नहीं लगाया, स्याही को हाथ नहीं लगाया, तो पढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो व्यंजना यहां पर आपको व्यंजना में ध्यान देना है कि उन्होंने स्याही और कागज को स्पर्श नहीं किया यानी कभी पढ़ाई शिक्षा प्राप्त नहीं की यानी वे अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। कलम गयो नहीं हाथ, और अपने हाथ में उन्होंने कभी कलम नहीं पकड़ी, तो पहली पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि वे अशिक्षित और अनपढ़ थे।
चारेऊ जुग को महातम मुख ही जनाई बात। लेकिन फिर भी शिक्षा भले ही उन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन उनके पास अनुभव की धरोहर बहुत अनमोल थी और उसी के बल पर उन्होंने चारों युग का महात्म्य, चारों युगों की महिमा, यानी लोक में, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है और जिस पर उन्हें लगता था कि उन्हें अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, उसे उन्होंने अपने मुख से ही लोगों तक पहुंचाया। जनाई यानी मुख तक, उनकी मुख के माध्यम से श्रोताओं यानी लोगों के, जनमानस के हृदय तक अपनी बात को पहुंचाया, यानी बोल करके ही उन्होंने काव्य सृजन किया। जिस काव्य को हम पढ़ रहे हैं वो कबीर के द्वारा लिखा नहीं गया बल्कि बोल करके आगे पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सामने आया। अब हम बोली हमारी पूरब की, हमें लखे नहीं कोई, कबीर ने अपनी भाषा के विषय में कहा है। देखिए इस पंक्ति को भी आप कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि इस पर भी पिछले वर्षों में सेकंड ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति स्वयं कबीरदास ने अपनी भाषा के, अपनी बोली के विषय में कहा है कि हमारी बोली पूरब की है। पूरब का मतलब हुआ भाषा का इतिहास हम पढ़ चुके हैं, अवधि और बिहारी दोनों का मिला जुला, बिहारी के रूप भी काफी शब्द यहाँ मिलते हैं कबीर की भाषा में और अवधि तो उनकी भाषा है ही। तो बोली हमारी पूरब की, हमें लखे नहीं कोई, यानी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी बोली मूलतः कौन सी है, पूर्वी बोली है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि कबीर द्वारा रचित कुल 63 रचनाएं मिलती हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है पुराने ग्रंथों में कि कबीर ने 63 पुस्तकों की, 63 ग्रंथों का की रचना की, लेकिन उनमें से केवल 43 रचनाएं ही उपलब्ध होकर प्रकाशित हो पाई हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 1464 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है, 1464 ईस्वी में कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संकलन किया और उस संकलन को नाम दिया बीजक। इसे भूलने का तो आपको अधिकार है ही नहीं। सन 1464, शिष्य धर्मदास और संकलन का नाम बीजक। आगे चलते हैं। बीजक जो उनकी कृति है, जो उनकी रचना है, उसके 3 भाग हैं प्रमुख रूप से, साखी, सबद और रमेनी। पहला भाग है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेनी। अब साखी क्या है? साखियां एक तरह के दोहे हैं। साखी जो शब्द है उसका अर्थ है साक्षी। साक्षी का मतलब है जो हमारे सामने है, यानी कबीर ने जो कुछ भी समाज में देखा उस पर जो अपने विचार व्यक्त किए वही उनकी साखी है, जिसको उन्होंने 2 लाइन के दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है और वही दोहे कबीर के साहित्य में साखी कहलाते हैं। शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए। उन्हें परंपराओं, विकृत परंपराओं, रूढ़ियों के विरुद्ध सचेत करने के उद्देश्य से कबीर ने साखियां लिखी। भाषा इनकी सदुक्कड़ी है और आपको ध्यान रखना है कि उनकी साखियां जहां संकलित हैं बीजक में, उसमें 59 अंग हैं। पूरी जहां साखियां हैं उसमें 59 अंग हैं। ये आपको भूलना नहीं है कि कबीर की साखियां कितने अंगों में विभाजित हैं, तो 59 अंगों में विभाजित है। और आपको ध्यान रखना है कि पहला अंग है गुरुदेव को अंग, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कोर्स में है, और दूसरा आखिरी जो अंग है वो है अभिहड़ को अंग, जहां परम तत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है, यहां गुरु की महिमा का वर्णन है। इसी तरह से प्रत्येक अंग में अलग अलग विषयों को आधार बना करके साखियां संकलित की गई हैं। तो हमें जब कबीर को अच्छी तरह से तैयार करना है तो हमें ध्यान देना है कि कौन से अंग में, खास तौर पे जो 5 अंग हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनकी विषय वस्तु हमें पता होनी चाहिए। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो उनकी विषय वस्तु हमें अपने आप पता चल जाएगी। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण साखियां हैं उनके विषय में हमें पता होना चाहिए कि इसकी मूल विषय वस्तु क्या है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। और जहां तक पदों की बात है, शब्द में उनके पदों को संकलित किया गया है। प्रथम 10 पद हमारे कोर्स में है और उन 10 पदों की राग के विषय में भी प्रश्न आया है कि श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली में कोई पद दे दिया, उसकी पहली पंक्ति दे दी, इसके लिए किस राग का संकेत किया गया है, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। यानी बहुत गहराई से हमें ये सब पढ़ना है बच्चों। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास के भरोसे ही हम इस जंग को जीत लेंगे, क्योंकि परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि अंक विभाजन नहीं बताया गया है RPSC के द्वारा, तो हम ये मान करके चलते हैं कि सभी
जो टॉपिक्स हैं वो बराबर अंकों के हैं, तो हमें बराबर सभी विषयों को, सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे चले, इनकी भाषा ब्रज और पूर्वी है, शब्द जो है वो पदों के संकलन है और उनकी भाषा ब्रज और पूर्वी है। आगे चलते हैं, तीसरा जो भाग है बीजक में वो है रमैनी, रमैनी में राम भक्ति के पद हैं और चौपाइयां हैं। अब राम भक्ति के पद से आप अपने मन में इस बात का द्वंद्व बिल्कुल मत रखिएगा कि ये तो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, फिर इनके रमैनी में राम भक्ति के पद क्यों आ गए, क्योंकि कबीर के जो राम हैं वो तुलसी के राम की तरह सगुण साकार ईश्वर नहीं है, मानव के रूप में अवतार लेने वाले नहीं हैं, बल्कि परम ब्रह्म निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। वो दशरथ के पुत्र नहीं है इनके राम, इनके राम परम ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये राम से यहाँ आप बिल्कुल ये ना समझें कि यहाँ दशरथ पुत्र श्री राम की बात हो रही है, यहाँ परम ब्रह्म की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ईश्वर विषयक विचार, शरीर रचना से संबंधित विचार, मनुष्य की आत्मा और मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए उससे संबंधित विचार यहाँ रमैनी में प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी भाषा भी ब्रज और पूर्वी कहीं ब्रज और मिलीजुली भाषा है वैसे भी कबीर की। कबीर की रचनाओं में तीन पक्ष स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तीन पक्ष हैं। पहला पक्ष है खंडन, खंडन का मतलब क्या है, तोड़ना, खंडित करना। किसको तोड़ना है, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, क्योंकि बुराइयों और विकृतियों के विरोधी थे संत कबीर, तो उन्होंने सबसे पहले खंडन की प्रवृत्ति अपनाई। जितनी भी बुराइयां थी, बुरी परंपराएं थी, चाहे वो धर्म में हो चाहे वो समाज में हो, सब पर करारी चोट की कबीर ने और उनकी निरर्थकता को स्पष्ट किया अपने साहित्य के माध्यम से। दूसरी बात, धर्म में सुधार लाने की बात कही, समाज में सुधार लाने की बात की, जिससे कि एक अच्छा व्यवस्थित और विकारहीन समाज और धर्म स्थापित किया जा सके। और तीसरा जो उनका पक्ष है वो है आत्मानुभूति, यानी क्योंकि कबीर का ये मानना था, दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कि ये जो संसार है ये माया जाल है, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस संसार की जितनी भी स्थितियां हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके प्रति जितने आसक्त होते हैं उतने ही हम संसार के दलदल में फंसते जाते हैं और फिर हम जन्म जन्मांतर तक जन्म और मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। तो इसका एक ही इलाज है, एक ही साधन उन्होंने बताया मुक्त होने का, और वो था संसार में निर्लिप्त भाव से रहते हुए अपने मन को परमात्मा में, परम ब्रह्म में लगाना, और आत्मा को परम ब्रह्म में लगाने के बाद की जो अनुभूति है, जो हृदय को प्राप्त होती है, उसी का वर्णन आत्मानुभूति के अंतर्गत उन्होंने किया है। इस तरह की भी कुछ रचनाएं हम पढ़ेंगे तो आप इन तीनों बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे चलें, अब आती है बात साखियों की, यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, गुरुदेव को अंग। तो गुरुदेव को अंग की सबसे पहली साखी क्या है, सतगुरु समान को सगा सोधी सही न जाते, हरिजी समान को हितु हरिजन सही न जाते। अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, देखिए सतगुरु का मतलब है सदगुरु, समान का मतलब है समान, सगा आप सभी जानते हैं आत्मीय सगे संबंधी, सोधी यानी शोधक, शोधी यानी शोध करने वाला, खोज करने वाला, जिज्ञासु, सही मतलब समान, दाती मतलब दानी, हरिजी समान, हरिजी यानी ईश्वर परम ब्रह्म, समान का मतलब समान, हितु मतलब हितकारी, हित करने वाला, कल्याण करने वाला, हरिजन सही नजात, हरिजन यानी भक्त, हरि के जन यानी महात्मा गांधी के प्रभाव से हरिजन हम बिल्कुल अलग एक समुदाय को संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर कबीर का मतलब उस समुदाय से नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रख लें। यहाँ हरि के जन यानी भक्तों से मतलब है, भक्तों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, सही मतलब समान, कोई जाति नहीं है। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु के समान इस संसार में जो सारे रिश्ते नाते हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि कोई भी समय पर सही सच्चा साथ निभाने वाला व्यक्ति नहीं है। जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो सारे रिश्ते, सारे सगे संबंधी यहीं रह जाते हैं, साथ में केवल व्यक्ति के अच्छे कर्म जाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि सतगुरु के समान कोई भी सगा नहीं है, कोई भी हमारा सच्चा रिश्तेदार, सच्चा संबंधी नहीं है। सोधी सही न दाते, और शोधी शिष्य
शोधी किसके लिए आया है? शिष्य के लिए आया है। शिष्य को शोधी क्यों कहा गया है? क्योंकि कबीर का कहना है कि एक शिष्य का सबसे बड़ा गुण होता है जिज्ञासु होना, यानी उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा, उत्कंठा, लालसा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं है जानने की, तो निश्चित रूप से गुरु चाहे कितना ही मार्गदर्शन करे, लेकिन उसके हृदय तक वो ज्ञान की बातें पहुंचेंगी ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि शोधी के समान, यानी जिज्ञासु शिष्य के समान कोई भी दानी नहीं है। अब शिष्य को दानी क्यों बताया है? क्योंकि शिष्य के लिए जिज्ञासु होने के साथ साथ अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना भी बहुत जरूरी बताया है, आवश्यक बताया गया है। और इसके अलावा एक और बात, अपने अहम का त्याग, क्योंकि जब तक शिष्य में अहम रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक वो गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अहंकार का दान कर देता है, यानी सब अपना सब कुछ गुरु के चरणों में दान करके अपनी जिज्ञासा के सहारे अपने आप को पूरी तरह से अगर कोई गुरु के चरणों में समर्पित करता है तो वो है शोधी, यानी जिज्ञासु शिष्य। तो इसलिए, क्योंकि अपना सर्वस्व, लोग तो क्या है, वस्तुएं दान में देते हैं, अनाज दान में देते हैं, धन दान में देते हैं, वस्त्र दान में देते हैं, लेकिन एक शोधी शिष्य अपने आप को ही समर्पित कर देता है, इसलिए संसार में उससे बड़ा दानी कोई भी नहीं है। हरिजी समान को हितु, भगवान के समान हितकारी, कल्याणकारी और कोई भी नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के चक्र से अगर कोई व्यक्ति को, मनुष्य को मुक्त कराने वाला है तो वो है ईश्वर। हरिजन सही न जाते, और इस पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन भक्तों का जो समुदाय है, जो अपना पूरा का पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता परम ब्रह्म परमात्मा में ही के प्रति ही रखता है, उसके समान कोई भी जाति, कोई भी समुदाय इस पृथ्वी पर नहीं है। इस बात को यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है। अब देखिए, सद्गुरु के समान कोई दूसरा अपना अर्थात संबंधी नहीं है, शोधी यानी तत्व की खोज करने वाला, यानी ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक के समान दानी अन्य कोई नहीं है, जो अपने सद्गुरु को अपना सर्वस्व या अहम दान कर देता है। परमात्मा के समान हितैषी अन्य कोई नहीं है, और हरिजन अर्थात भक्त के समान कोई जाति नहीं है। वृत्यानुप्रास अलंकार है दोस्तों, क्योंकि एक सवर्ण की कई बार आवृत्ति यहां पर हुई है, ये आप देख ही रहे हैं, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं, दूसरी साखी पर आते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहारी के बार, जिने मानिशते देवता करत न लागी बार। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पहले तो देखिए, बलिहारी मतलब अपने आप को न्योछावर करना, अपने गुरु पर मैं बलिहारी जाऊं, द्यों यानी दिन में, एक दिन में, ठीक है। हाड़ी मतलब मेरा हाड मास का शरीर, बार मतलब कितनी दफे, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी दफा। जिन मानिशते देवता करत न लागी बार, अब जिन यानी जिनको, मानिश यानी मनुष्य से देवता बनाने में इस बार का अर्थ है तनिक भी देर नहीं लगी, समय नहीं लगा। तो कबीरदास जी यहां क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु का इतना कृतज्ञ हूं, इतना आभारी हूं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने इस हाड़ मास के शरीर के माध्यम से कितनी बार, एक दिन में कितनी बार उन पर अपने आप को बलिहारी करूं, न्योछावर करूं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु इतने शक्ति संपन्न हैं कि उन्हें मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगी, तनिक भी समय नहीं लगा। यानी जैसे ही मैं उनके संपर्क में आया, उनकी मुझ पर कृपा हुई, उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। मनुष्य से देवता बनाने की व्यंजना क्या है कि मुझे सभी प्रकार की विषय वासनाओं से, सभी प्रकार की विकृतियों से मुक्त कर दिव्य उन गुणों से अलंकृत कर दिया, विभूषित कर दिया, जिनके माध्यम से मैं ईश्वर का, परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने अर्थात निर्मल दोष रहित करने में तनिक भी समय नहीं लगाया, उन सद्गुरु पर मैं दिन में कितनी बार स्वयं को न्योछावर करूं मुझे कम ही लगता है। यानी मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा कि मैं अपने गुरु की इस कृपा को किस प्रकार उसका प्रतिदान दूं।
अब देखिए यहाँ पर ये बार और बार शब्द, एक शब्द दो बार आ रहा है, दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। एक बार का मतलब है कितना कितना समय, और दूसरी बार मतलब देर, यानी एक शब्द की आवृत्ति लेकिन अर्थ अलग अलग। देखिए पुनरुक्ति में भी आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ समान होता है, यहाँ एक शब्द की आवृत्ति तो है एक बार लेकिन अर्थ अलग अलग है। व्यतिरेक अलंकार भी है क्योंकि गुरु को ब्रह्म से भी बढ़कर बताया गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यतिरेक अलंकार दोस्तों वहां होता है जहां पर उपमान को उपमेय की तुलना में निम्न बताया जाता है, हीन बताया जाता है। परम ब्रह्म उपमान है, परम ब्रह्म उपमान है इसका मतलब यह है कि वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन कबीर यहां क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु इतने श्रेष्ठ हैं कि उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, यानी गुरु को ब्रह्म से की शक्ति से भी संपन्न बताया गया है, उनसे भी बढ़कर बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। आगे चलते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अब देखिए यहाँ भी यमक अलंकार है, अनंत अनंत चार बार आया है और चारों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो साखियां हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये उन कबीर की हैं जिन्होंने मसी कागद और कलम को हाथ नहीं लगाया था। सतगुरु की महिमा अनंत, यानी मेरे सतगुरु की, कबीर दास जी कहते हैं मेरे सतगुरु की महिमा असीमित है, इसका अर्थ है असीमित, यानी उसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकती। अनंत किया उपकार, उसने मुझ पर असंख्य उपकार किए हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, उपकार यानी उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, उसने मेरे दिव्य चक्षु खोल दिए हैं, दिव्य जो ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान के नेत्र हैं, वो खोल दिए हैं। अनंत दिखावनहार, और उससे मुझे परम ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगा है, यानी मेरे सद्गुरु की, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सद्गुरु के मुझ पर असीमित उपकार हैं, उन्होंने मेरे अनंत यानी दिव्य ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और अलौकिक ब्रह्म के दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे कराए हैं। अनंत शब्द की चार बार आवृत्ति, अर्थ भिन्न भिन्न, पहला है असीमित, असंख्य, दिव्य और परम ब्रह्म, इसलिए यमक अलंकार है। आगे चलते हैं। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्याले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहे। पटतरे मतलब तुल्य, समान, देवे यानी देने के लिए, हौस प्रबल इच्छा, लालसा। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि उन्होंने मुझे परम ब्रह्म का साक्षात्कार कराया है, मुझे ब्रह्म दिए हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार उनका सानिध्य कराया है, तो मैं अब चाहता हूं कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को कुछ दूं, लेकिन मेरी विवशता क्या है, मेरी विवशता यह है कि मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे जो राम नाम यानी ब्रह्म का नाम जो दिया है, उसके तुल्य इस संसार में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो देकर मैं अपने गुरु को उपहार दे सकूं और उनका प्रतिदान कर सकूं। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माए, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन की ये मन में ही रह रही है प्रबल इच्छा कि मैं अपने गुरु को राम का नाम जो उन्होंने मुझे दिया है उसके तुल्य ऐसी कौन सी चीज दूं जिससे कि मेरे गुरु को संतुष्टि प्राप्त हो, मैं उन्हें आनंदित कर सकूं, उन्हें प्रसन्न कर सकूं। सद्गुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा प्रदान किया है, इस अनमोल वस्तु के समान गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अतः मैं कौन सी वस्तु देकर गुरु को संतुष्ट करूं, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को कुछ देने की मेरी बलवती इच्छा मन की मन में ही रह गई है। आगे चले। अगला, सतगुरु के सदगे करूं दिल अपनी का साच, सतगुरु हमस्यू लड़ पड़या महकम मेरा बाच। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारे पाठ्यक्रम में है श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली, उसमें यह सतगुरु शब्द है यहां, लेकिन अन्य में कलयुग शब्द है यहां, तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अब कबीरदास जी यहां कह रहे हैं कि सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच, कि मैं साक्षी सच्चा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय की साक्षी मानकर, या अपनी अपने सच्चे हृदय से सतगुरु पर अपने आप को
बलिहारी करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे मेरे संरक्षक हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं और मुझे ईश्वर प्राप्ति के, परम ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले हैं। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो क्यों बलिहारी होते हैं सदगुरु पर, इसलिए क्योंकि सदगुरु हमसे लड़ पड़ा कि एक दिन मेरे गुरु मुझसे लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े? क्योंकि उन्होंने मुझे सन मार्ग से, ईश्वर प्राप्ति या परम ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित होते हुए देखा, तो उन्होंने तुरंत मुझे टोका, मुझसे लड़े, मुझ पर क्रोध किया। तो जब मेरे गुरु ने मुझ पर क्रोध किया तो मेरा महकम, मेरा बाज यानी मेरा विश्वास अपने गुरु पर और अधिक दृढ़ हो गया। क्यों दृढ़ हो गया? क्योंकि मैं जान गया कि अगर मैं कहीं भी विचलित होऊंगा अपने सही मार्ग से तो मेरे गुरु मुझे संभाल लेंगे। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सद्गुरु पर, अपने आप को अपने हृदय की साक्षी मानकर, अपने सच्चे हृदय से बार बार अपने आप को न्योछावर करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु इतने शक्तिशाली हैं कि वो हर स्थिति में मुझे सन्मार्ग पर ही बनाए रखेंगे, सन्मार्ग पर ही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक बार मेरे जरा सा मार्ग से विचलित होने पर उन्होंने मुझे तुरंत चेतावनी दी थी, मुझ पर क्रोध किया था। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे हृदय से सद्गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। एक दिन सद्गुरु मुझसे लड़ पड़े अर्थात क्रुद्ध हो गए, तो उनके प्रति मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं अर्थात अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी मुझे तो परम ब्रह्म की प्राप्ति अब होकर के रहेगी। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ पुस्तकों में कलियुग आता है, तो उसका अर्थ हम इस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों कि कलियुग हमसे यूं लड़ पड़ा, यानी जब मैं गुरु के बताए हुए परम ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था तो कलियुग की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो मुझे उस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने लगी, मुझसे संघर्ष करने लगी, मेरे व्यक्तित्व में हावी होने लगी। तब मेरे गुरु ने मुझे संभाला और ऐसी स्थिति में मेरा अपने गुरु पर और अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। तो इस तरीके से इस साखी को हम तैयार करेंगे। आगे चलते हैं। सतगुरु लई कमाण करे बाहण लागा तीर, एक जो बाया प्रीतिसु भीतर रहया शरीर। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सतगुरु ने अपने हाथ में धनुष उठाया, लिया कमाण यानी धनुष, और शिष्य की तरफ तीर बहाने लगे, यानी तीरों की बर्छा करने लगे, बाहन यानी बहाने लगे, यानी एक के बाद एक तीर छोड़ने लगे। अब देखिए ये जो धनुष है ये किसका धनुष है? ये है उपदेश का धनुष। और बहाने तीर क्या है? ज्ञान के। अब देखिए एक जो बाया प्रीतिसु भीतर रहया शरीर, यानी उन्होंने बहुत सारे तीर मुझ पर चलाए, ज्ञान के बहुत सारे तीर मुझ पर चलाए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि एक तीर उन्होंने मुझ पर इतने प्रेम से चलाया कि वो सीधा मेरे हृदय में यानी मेरे अंतर मन में भिंद गया, यानी उस उपदेश से, उससे मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दिव्य दर्शन हो गए। भीतर रहया शरीर, भीतर का मतलब है अंतःकरण, यानी वह तीर सीधा, वो ज्ञान का जो तीर था, उपदेश का जो तीर था, वो सीधा का सीधा मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गया, यानी मैं अपनी पूरी विकृतियों और विषय वासनाओं से मुक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में सफल समर्थ हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु साखी रूपी धनुष से उपदेश रूपी तीर चलाने लगे, किंतु जिस प्रकार तीर पत्थर से टकराकर लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु के उपदेश भी शिष्यों की जड़ता से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। शिष्यों की जड़ता यानी वो शिष्य जिनमें ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं है। तो अगर जड़ शिष्य हैं जिनमें जिज्ञासा नहीं है और उनको उपदेश दे रहे हैं सद्गुरु, तो उनके सारे उपदेश के जो तीर हैं वो व्यर्थ जाते हैं। कैसे? जैसे पत्थर पर अगर हम तीर छोड़ते हैं तो वो तीर लौट कर इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी कि लक्ष्य को भेदने में सफल नहीं होते, शिष्य को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। तो इसी तरह से तो कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने भी मुझ पर बहुत सारे तीरों की वर्षा की, लेकिन उनमें से एक तीर उन्होंने खास मेरे प्रति इतने प्रेम और स्नेह से भरकर चलाया
एक जो बहाया ऐसा बहाया ऐसा छोड़ा प्रेम से, प्रीति सु प्रेम से, कि वो सीधा का सीधा मेरे शरीर को भेदता हुआ, यानी मेरी सांसारिक विषय वासनाओं विकृतियों को भेद करता हुआ, तोड़ता हुआ, खंडित करता हुआ, सीधा का सीधा मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गया। और मेरे अंतःकरण में उसके फलस्वरूप क्या हुआ, मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई, उनका साक्षात्कार हुआ। एक तीर गुरु ने अपने श्रद्धालु शिष्य की ओर ऐसा चलाया कि वह सीधा उसके अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया, अर्थात गुरु की कृपा से श्रद्धालु शिष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए, एक अलंकार की हमने, जब हम छायावादी रचनाएं पढ़ रहे थे, तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार की मैंने चर्चा की थी। आपको ध्यान रखना है कि कबीर के साहित्य में रूपकातिशयोक्ति अलंकार काफी मिलेगा। रूपकातिशयोक्ति अलंकार का मतलब एक बार फिर दोहरा दूं, जहां पर उपमेय का जिक्र न हो, केवल उपमान की बात हो और उपमान के जरिए ही अपने भावों को अभिव्यक्त किया जाए, वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जैसे यहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि साखी रूपी कमांड, यहां पर नहीं कहा है। अगर रूपक अलंकार होता तो साखी कमांड इस तरीके से लिखा होता, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा गया है, यानी केवल उपमान की बात की गई है और उपमेय की चर्चा यहां पर नहीं की गई है, इसलिए यहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। कमांड साखी रूपी धनुष ज्ञान, उपदेश रूपी तीर, इनकी चर्चा, केवल तीर की चर्चा है, उपदेश की चर्चा हम व्यंजित भाव से समझते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे चलें, सतगुरु साचा सूर्यवां सबद जो बाया एक, लागत ही में मिल गया पढ़िया कलेजो छेक। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो सतगुरु है वो सच्चा शूरवीर है, सूर्यवां शूरवीर, साचा सच्चा, सबद जो भाया एक, शब्द यानी ज्ञान यानी उपदेश, ये इसका व्यंजित भाव है, साधारण अर्थ है शब्द। सबद जो भाया एक, उन्होंने एक जो ज्ञान जो उपदेश मुझे दिया, वो उपदेश मिलते ही ज्ञान का जो तीर मेरे ऊपर छोड़ा, शब्द का जो तीर मेरे ऊपर छोड़ा, लागत ही मैं मिल गया। मैं का मतलब है अहंकार, कि जैसे ही वो तीर मेरे हृदय में पहुंचा, मेरा अहंकार पूरी तरह से मिल गया, यानी विलीन हो गया, नष्ट हो गया, पड़िया कलेजे छेक, और मेरे हृदय में एक छेद हो गया। अब वो छेद किसका, यानी कबीर इस छेद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर के ज्ञान की, सच्चे स्वरूप की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु इस संसार में सच्चा शूरवीर है, क्योंकि उसने जैसे ही अपने शिष्य पर सबद अर्थात ज्ञान का एक तीर चलाया, शिष्य तत्काल अर्थात तीर लगते ही धराशायी हो गया। धराशायी मतलब उसका मैं, अहंकार समाप्त हो गया। जैसे ही अहंकार समाप्त होगा तो वो पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा और ईश्वर परम ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए योग्य बन जाएगा। और उसके हृदय में ज्ञान और विरह का छेद हो गया, अर्थात घाव हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया। और विरह किसके लिए है, विरह है परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुलता, परमात्मा के वियोग की स्थिति, कि अब मुझे परमपिता परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होना ही चाहिए। ये विरह भाव उसमें उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और घाव हो गया, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से वो अलग हो गया, सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठ गया। वृत्यानुप्रास अलंकार है, सवर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। आगे चलते हैं, सतगुरु मार्या बाण भरे। देखिए, लगातार बाण और कमान और धनुष के ही साखियां आ रही हैं। सतगुरु मार्या बाण भरे, धरकर सूधी मूठ, अंग उघाड़े ला गया गई दवासु फूटे। बहुत ध्यान से समझेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मारिया यानी मारा, खींचकर पूरी शक्ति से खींचकर बाण मारा, बाण खींचा, धरकर सूधी मूठ, धरकर सूधी मूठ यानी लक्ष्य साधकर, यानी निशाने पर सतगुरु ने पूरी शक्ति से लक्ष्य साधकर, यानी अपने निशाने पर, यानी शिष्य की ओर एक बाण चलाया, अंगे उघाड़े ला गया। और वो जो बाण है वो शिष्य के कहां लगा, उघाड़े अंग पर लगा। ये उघाड़ा अंग क्या है, उघाड़ा अंग है सांसारिक विषय वासना रहित अंग,
और सांसारिक विषय वासना रहित अंग कौन सा होता है? शुद्ध अंतःकरण। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो बाण इतना लक्ष्य साधकर पूरी शक्ति से मेरे गुरु ने मुझ पर छोड़ा कि मेरी सारी सांसारिक विषय वासनाएं नष्ट हो गईं, और क्या हो गया, वो बाण सीधा जाकर मेरे अंतःकरण पर लगा और गई दवासु फूटे, और उस बाण के प्रहार से मेरे हृदय में, दवा का अर्थ है दावाग्नि, फूट यानी प्रज्वलित होने लगी, जलने लगी। दावाग्नि वो आग होती है दोस्तों जो जंगल में लगती है। अब यहां पर क्यों दावाग्नि शब्द का प्रयोग किया है कबीर ने? इसलिए किया है क्योंकि यहां शरीर में कौन सा जंगल है? विकृतियों का जंगल। तो विकृतियों के जंगल को जलाने के लिए दावाग्नि शब्द का यहां पर प्रयोग किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने पूरी शक्ति से मेरी तरफ जो बाण छोड़ा और लक्ष्य साधकर जो बाण छोड़ा, वो सीधा मेरे उघाड़े अंग यानी शुद्ध अंतःकरण में प्रवेश कर गया, और उसके कारण मेरे अंतःकरण में एक अग्नि प्रज्वलित हो गई, और उस अग्नि में मेरी सारी विकृतियां, सारी विषय वासनाएं जल करके भस्म हो गई, और मैं इस योग्य हो गया कि परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने सीधा लक्ष्य साधकर पूरी शक्ति से शिष्य की ओर शब्द रूपी बाण चलाया। वह बाण शिष्य की राजसी और तामसी प्रवृत्तियों, राजसी और तामसी प्रवृत्तियों का अर्थ है सारी विकृतियां, सारी बुराइयां जो थी सांसारिक, भेदता हुआ सीधा शिष्य के नंगे शरीर यानी सत्वगुण संपन्न, यानी सत्वगुण मतलब शुद्ध अंतःकरण पर लगा। इससे शिष्य के शरीर में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई। संकेत है कि इस आग से, इस दावाग्नि से विषय वासनाएं जल करके भस्म हो गई और उनकी काया तपकर कंचन बन गई। सांग रूपक अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि हर क्षेत्र में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उघाड़े अंग, बाण और दवा, इन सब के द्वारा एक सांग रूपक की योजना यहाँ की गई है। आगे चलते हैं। हंसे न बोले उनमनी, चंचल मेलियां मारे, कहे कबीर भीतर भजा सतगुरु के हथियार। उनमनी शब्द को समझ लीजिए दोस्तों। ये उनमनी शब्द थोड़ा दार्शनिक शब्द है। इसका मतलब होता है, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं आम बोलचाल में, अनमना। अनमना, आज मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, जब हम इस बात को बोलते हैं, यानी ना तो हम आनंद की स्थिति में है ना हम विषाद की स्थिति में, बस हमारा मन नहीं लग रहा। उससे थोड़ा ऊपर के स्तर का शब्द है उनमनी। उनमन का मतलब है जब किसी भी जीवात्मा को संसार में आनंद की प्राप्ति नहीं हो, जो दुख से भी प्रभावित नहीं हो, सुख से भी प्रभावित नहीं हो। मैंने एक बार किसी एक सत्र में सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो श्रीमद् भगवत गीता की इस पंक्ति को बोला था। वही स्थिति जो, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बताया गया है, वही स्थिति यहाँ उन्मन की स्थिति है, यानी सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठने की स्थिति। तो वो कहते हैं कि जब कोई भी जीवात्मा उन्मन हो जाती है, उन्मन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, ये योग की एक अवस्था है दोस्तों, यानी सांसारिक सुख और दुख उसे प्रभावित नहीं करते, तब वो जीवात्मा न तो हंसती है न बोलती है, यानी ना तो उसकी किसी से संसार में संबंध रखने की इच्छा होती है, तो वो वार्तालाप भी करना पसंद नहीं करती, ना उसे सांसारिक सुख जो है वो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो हंसती भी नहीं है। तो कौन सी स्थिति में रहती है? उन्मन स्थिति में रहती है। चंचल मेलिया मार, और उस उन्मन अवस्था में जाने के बाद उसके चित्त की जितनी भी चंचलता है वो मेलिया मार नष्ट हो जाती है। तो इसी बात को कबीर यहां कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान के रूपी हथियार से शिष्य किस स्थिति में पहुंच गया है? उन्मन स्थिति में पहुंच गया है। उसके चित्त की, उसके मन की सारी चंचलता नष्ट हो गई है, और सदगुरु का जो हथियार है वो सीधा उसके अंतःकरण में बिंद गया है, और उसे परम पिता परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु का ज्ञान रूपी हथियार शिष्य के मन में इस प्रकार बिंद गया है कि उसकी सारी चंचलता समाप्त हो गई है, अर्थात अब वह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति उदासीन हो गया है, और वह उन्मन अवस्था को प्राप्त हो गया है, अतः न हंसता है और न बोलता है। यहां भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। आगे चले। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान,
पांव थे पंगुल भया सतगुरु मारिया बाण। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने ऐसा बाण चलाया, देखिए अब निरंतर सतगुरु के, क्योंकि गुरुदेव को अंग है, सतगुरु की महिमा उनके गौरव की चर्चा यहाँ पर कबीरदास जी कर रहे हैं, और खास तौर पर सतगुरु के द्वारा शिष्य को जो दिया गया मार्गदर्शन है उसे बाणों के माध्यम से यहाँ अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि एक शिष्य जो बावला था, बावला यानी भ्रमित, भटका हुआ, यानी सांसारिक विषय वासनाओं में लिपटा हुआ था, बावला था, जैसे ही सतगुरु ने बाण चलाया वो गूंगा हो गया। गूंगा यानी बोलने की स्थिति में नहीं रहा, यानी उन्मन अवस्था को पहुंच गया, क्योंकि अब उसे संसार की सारी वास्तविकता ज्ञात हो गई। तो जो बावला था, जो भ्रमित था, जो भटका हुआ था, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त था, सतगुरु के बाण के प्रहार से यानी सतगुरु के ज्ञान के उपदेश से वो गूंगा हो गया, यानी वो बोलचाल उसने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अब सांसारिक सुख, सांसारिक विषय वासनाएं उसे आनंद नहीं देती। बहरा हुआ कान, और वो कानों से बहरा हो गया, यानी उन्मन अवस्था को पहुंचकर इस स्थिति में पहुंच गया कि अब उसे संसार की मधुर ध्वनियां भी आकर्षित नहीं करती। और पांव थे पंगुल भया, और पांव से वो पंगु हो गया, लंगड़ा हो गया, क्योंकि यानी उसकी जो सांसारिक गतिशीलता थी, गति थी, वो समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में ही लगा रहना चाहता है, वो वहीं पर उसका पूरा ध्यान स्थित हो गया है, इसलिए अब उसकी सांसारिक गतिशीलता समाप्त हो गई है। सतगुरु मारिया बाण, सतगुरु ने ऐसा बाण शिष्य के ऊपर चलाया। देखिए भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने ऐसा बाण चलाया है कि जो जीव सांसारिक विषय वासनाओं के लिए बावला था कि अब मुझे ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, वो गूंगा हो गया है, कानों से बहरा हो गया है, पैर होते हुए भी पंगु अर्थात लंगड़ा हो गया है। व्यंजना यह है कि उन्मन अवस्था में पहुंचने के कारण उसकी इंद्रियां सांसारिक विषयों से विमुख हो गई हैं। अब उसे सांसारिक सुख, सांसारिक आनंद, सांसारिक विषय वासनाएं आकर्षित या प्रभावित नहीं करती। आगे चलते हैं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझे सतगुरु नहीं मिल रहे थे तब तक मैं पीछे चलता चला जा रहा था, यानी बंधी बंधाई लीक पर चल रहा था। जो परंपराओं से, जो लोक से मुझे जो रास्ता दिखाया गया, लोक यानी समाज के जो नियम थे उनके पर आधारित रास्ते पर, और जो वेदों के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया उन सब पर मैं चलकर चुपचाप बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा था, और ये सोच रहा था कि मैं एक दिन संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसे पीछे लगा हुआ मैं लोक वेद के पीछे चलता जा रहा था, यानी लोक की परंपराओं और वेदों के कथन के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर मैं निरंतर चलता जा रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, लेकिन मैं थोड़ा आगे गया तो सामने से मुझे सतगुरु आते हुए मिल गए, यानी मुझे मार्ग में सतगुरु के दर्शन हो गए, और उन्होंने मुझे सच्चे ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में थमा दिया। दीपक दिया हाथ यानी सच्चे ज्ञान का जो दीपक था वो मेरे हाथ में थमा दिया, यानी दीपक थमाने की व्यंजना क्या है दोस्तों? दीपक थमाने की व्यंजना है कि उन्होंने मेरे हृदय में जो अंधकार से भरा हुआ था, जो परंपराओं और वेदों के द्वारा बताए गए अस्पष्ट, उलझाने वाले, भ्रमित करने वाले मार्गों में उलझा हुआ था, उन्होंने उस अंधकार से भरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया, ज्ञान का उजाला कर दिया, ताकि मैं अपने वास्तविक मार्ग को समझ सकूं और उस पर आगे बढ़ सकूं। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सद्गुरु से मिलने से पूर्व वे भी लोक और वेद की परंपराओं में बंधकर संसार में व्यर्थ ही भटक रहे थे, अचानक रास्ते में गुरु मिल गए और उन्होंने जिज्ञासु कबीर के हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया। व्यंजना यह है कि ज्ञान का दीपक हाथ में आते ही उन्हें संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। यहां भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। दीपक दिया तेल भरे बाती धई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो सतगुरु हैं उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? कि दीपक दिया तेल भर, कि मुझे एक ऐसा दीपक हाथ में दे दिया। इसका मतलब दिया, इसका मतलब दीपक तो आप सभी जानते हैं। तो अब कैसा दिया?
तेल से भरा हुआ दीपक दिया और उसमें अघट यानी कभी घटने न वाली, कभी न घटने वाली, यानी मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान का ऐसा दीपक मेरे हाथ में पकड़ाया जिसमें भक्ति का तेल भरा हुआ था लबालब, और उसमें कौन सी बत्ती थी, कभी न घटने वाली, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं थी, ऐसी बत्ती लगा दी, यानी ऐसा प्रकाश मुझे प्रदान किया ज्ञान के रूप में जो निरंतर मेरे हृदय में विद्यमान रहने वाला था। पूरा किया बिसाहुणा बहुरे ना आवो हट, बिसाहुणा यानी व्यापार, जो बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो व्यापार यहां पर है, लेकिन इसका मतलब है संसार के गतिविधियां, संसार के कार्य व्यापार यहां पर। तो कबीर दास जी को जब ज्ञान का दीपक गुरु ने पकड़ाया और उसमें अनंत बत्ती लगाकर उसको दिया, उनको दिया, तो उन्हें इस संसार की क्षणभंगुरता, इसकी विकृतियां अच्छी तरह से समझ में आने लगी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तत्काल अपने आप को सांसारिक गतिविधियों कार्यकलापों से मुक्त कर लिया, अलग कर लिया, यानी जो भी कार्य व्यापार थे संसार के उनको पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका अब लक्ष्य क्या हो गया, परमात्मा से साक्षात्कार, परमात्मा में लीन होने का लक्ष्य हो गया, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया बहुरी न आवो हट, हट मतलब बाजार, कि अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना है, इसलिए मैं अपने आप को कर्म बंध, ऐसे कार्य करूं जिससे कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो इस दृष्टि से कबीर ने काम किया। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति रूपी तेल भरकर उसमें निधिध्यासन, निधिध्यासन को समझ लेंगे, निधिध्यासन का मतलब है कि निरंतर ईश्वर में ध्यान लगाना, उनके नाम को बार बार लेते रहना, यानी हमेशा हृदय में ईश्वर का ध्यान बना रहे, उसको निधिध्यासन कहते हैं, कि अनंत बत्ती जला दी है, फलतः कबीर को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए कबीर ने इस संसार रूपी बाजार से अपना लेन देन हमेशा के लिए पूरा कर लिया, यानी कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें इस संसार में लौट कर नहीं आना है, अर्थात योग एवं भक्ति युक्त ज्ञान से वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए हैं। रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और सांग रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया, सौजन्य बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला, कि गुरु अगर तुझे मिल गए हैं तो तेरे हृदय में क्या होगा, ज्ञान का प्रकाश निश्चित रूप से होगा, और ये कब होता है, जब ईश्वर की किसी भी मनुष्य पर अनंत असीम कृपा होती है, ईश्वर की कृपा से ही एक अच्छे सदगुरु मिलते हैं, सो जिन्हें बिसर जाए, लेकिन अगर फिर भी तू उसे भूल जाए, गुरु को भूल जाए, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को भूल जाए, तो ये तेरी धृष्टता है। यानी कबीर मनुष्य को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से जब गोविंद कृपा करी, कि जब गोविंद ने, जब परम ब्रह्म ने तुझ पर कृपा बरसाई, तब तुझे सदगुरु आकर के मिले हैं। अब सदगुरु मिल गए हैं और उन्होंने ज्ञान का प्रकाश भी तेरे अंतःकरण में कर दिया है, तो अब हे मनुष्य तू इसे बिसर यानी भूल मत जाना। किस चीज को नहीं भूलना है, ना गुरु को भूलना है और ना गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों को भूलना है। अगर तू भूल गया गुरु के ज्ञान को, तो तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर भटकना पड़ेगा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, गोविंद अर्थात ईश्वर की कृपा से गुरु मिले हैं और गुरु की कृपा से हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, इसलिए अब इस ज्ञान को तू भूल मत जाना, अन्यथा तुझे संसार के चक्र में भटकना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कबीर गुरु गरबा मिलिया, रल गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरोगे कौन। देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात, कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गरबा, कि मुझे एक गौरवशाली, एक महिमाशाली, अनंत अलौकिक गुणों से युक्त गुरु मिल गए हैं। गरबा यानी गौरवशाली, गौरवशाली, सामर्थ्यवान, अलौकिक गुण संपन्न, ये सारे इसमें गरबा शब्द में शामिल है। गुरु मिल गए हैं
अब उन गुरु ने जो मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया, उस ज्ञान के प्रकाश के कारण मेरा जो जीवात्मा है, मेरा जो जीव है, वो परमात्मा में इस प्रकार मिल गया जैसे आटे में नमक मिल जाता है। रली मतलब मिल गया, जैसे आटे में लून, आप सब जानते हैं, जैसे आटे में नमक मिल जाता है। आटे में नमक मिलने की खास बात क्या होती है दोस्तों, जब तक आटा और नमक अलग अलग हैं तब तक नमक नमक है और आटा आटा है, लेकिन जैसे ही नमक आटे में मिल जाता है तो हम आटे से उसे अलग नहीं कर सकते और ना नमक को उसमें ढूंढ करके ये बता सकते हैं किसी को कि देखो ये नमक है ये आटा है, दोनों इस तरह से एक में एक हो जाते हैं। यानी नमक भी आटे में आटे का रूप धारण करके ही मिल जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कबीर के द्वारा। इसकी व्यंजना क्या है? इसकी व्यंजना है कि मेरी जीवात्मा परमात्मा में इस तरह से मिल गई है कि अब मेरा निज का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया है, मैं आटे में नमक की तरह से मैं परमात्मा के स्वरूप में मिल गया हूँ। अब जब मैं परमात्मा के स्वरूप में मिल गया, मेरा अपना निजी अस्तित्व ही नहीं रहा, तो संसार में जिन जाति और कुलों के नाम से मुझे पहचाना जाता था वो सब तो मेरे समाप्त हो गए। कैसे समाप्त हो गए? जैसे नमक आटे में मिलकर अपने आप को समाप्त कर लेता है, ऐसे मेरी अपनी जो सांसारिक पहचान थी, जो जाति था, जो कुल था, वो सब मिट गया। अब हे दुनिया वालों, हे जाति पाति के भेदभाव रखने वाले लोगों, अब तुम बताओ कि तुम भला अब मेरा नाम अब मेरा क्या नाम रखोगे, क्योंकि अब मैं तो परमात्मा में विलीन हो गया, मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। इसके माध्यम से व्यंजित कर रहे हैं कबीर कि ये जाति पाति के जो बंधन हैं वो व्यर्थ हैं, उनमें विश्वास करना बिल्कुल बेकार है, व्यक्ति को इन सब बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। भावार्थ देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे गौरवशाली गुरु और उनके ज्ञान के शब्द रूपी मंत्र मिले हैं, फलतः मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है और मैं उस परम चेतना में आटे में नमक की तरह मिल गया हूँ। अब मेरी जाति पाति कुल सब बंधन छूट गए, अर्थात मेरी सारी सांसारिक पहचान समाप्त हो गई है, अब मुझे किस नाम से पुकारोगे, अर्थात मेरा क्या नाम रखोगे। यहाँ पर प्रतिवस्तुप मा अलंकार है। प्रतिवस्तुप मा अलंकार क्या होता है? देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को के संबंध में अलग अलग कथन कहे जाते हैं, लेकिन उन कथनों से जो साधारण धर्म, जो गुण सामने आता है, वो गुण एक ही होता है। कथन अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके द्वारा व्यंजित होने वाला, स्पष्ट होने वाला, अभिव्यक्त होने वाला जो गुण है वो मूलतः एक होता है। जब ऐसा काव्य में होता है वहां प्रतिवस्तुप मा अलंकार होता है। अब इसमें कैसे है प्रतिवस्तुप मा अलंकार? देखिए, एक तो यहाँ पर आटे में नमक का उपमेय कथन हो गया, दूसरा जीवात्मा के परमात्मा में मिलने का उपमान कथन हो गया। दोनों कथन अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन दोनों का जो साधारण धर्म है यानी विलीनीकरण का जो गुण है वो एक है। यानी आटे में जैसे नमक मिलता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, यानी समाप्त करने का, विलीन होने का जो गुण है वो एक है। कथन बिल्कुल अलग अलग हैं, स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिवस्तुप मा अलंकार हुआ। आगे चलें, आगे वाली साखी पर आते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा नरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों खूब पड़ंत। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा है, यानी सदगुरु नहीं है, चेला तो और भी ज्यादा अंधा है, खरा मतलब और भी अच्छी तरह से अंधा है, आंखें नहीं है दोनों के पास, यानी दोनों ही संसार की वास्तविकता को नहीं समझते, अंधा अंधा ठेलिया। तो जब दो अंधे मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को धक्का देकर रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, और हो सकता है क्योंकि किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो दोनों में से कोई भी या दोनों एक साथ ही किसी भी कुएं में गिर पड़े। तो कबीर दास जी यहां कहते हैं कि ये दोनों, जहां पर गुरु भी अंधा है और शिष्य उससे भी ज्यादा अंधा है, तो वे दोनों अंधे अंधे एक दूसरे को ठेलिए यानी धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, और दोनों कूप पड़ंत। ये कूप क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं का कूप। के कूप में गिर जाते हैं। भावार्थ देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा अर्थात अज्ञानी है और जिसका शिष्य भी पूरी तरह से अंधा है, उनका उद्धार संभव नहीं है। दोनों अंधे एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीनता, यानी नेत्रहीनता का मतलब, अंधे का मतलब क्या है? अज्ञानता।
अज्ञानता के कारण विषय वासनाओं के कुएं में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। आगे चले, ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डाव, दुनियों बूढ़े दार में चढ़े पाथर की नाव। अब देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे कभी, ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको हर किसी को सद्गुरु नहीं मिलता, सद्गुरु भी कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं ना गुरु मिलिया, कि ना तो किसी मनुष्य को, किसी को उसे गुरु मिला, अच्छा सद्गुरु मिला, ना शिष्य भया, और ना ही वह व्यक्ति अच्छा जिज्ञासु और गुरु के प्रति समर्पित शिष्य ही बन सका। दोनों में क्या स्थिति चलती रही, लालच खेलिया डाव, और एक दूसरे के प्रति लालच के भाव से युक्त डाव वो खेलते रहे। और परिणाम क्या हुआ, क्योंकि गुरु भी सद्गुरु नहीं था, शिष्य भी जिज्ञासु नहीं था, दोनों लालचवश एक दूसरे के साथ चलते रहे, तो दोनों बूढ़े धार में, और दोनों ही संसार सागर में बूढ़े यानी डूब गए, डूब गए, चढ़े पाथर की नाव। क्यों डूब गए, क्योंकि वे पत्थर की नाव से इस संसार रूपी सागर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, और नाव अगर पत्थर की होगी तो निश्चित रूप से सागर में डूबेगी ही। तो व्यंजना क्या है, कि संसार की विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हुए वे, अपनी विकृतियों के सहारे ही आगे बढ़ने की, मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। परिणाम ये हुआ कि नाव उनकी पत्थर की थी यानी विकृतियों की थी, तो दोनों के दोनों संसार सागर में डूबकर नष्ट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे न तो तत्वज्ञानी यानी सद्गुरु मिला, और न जो स्वयं जिज्ञासु शिष्य बन पाया, ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही लालच के वशीभूत होकर एक दूसरे को धोखा देते गए। लालच खेलिया डाव, लालच के वशीभूत होकर, डाव मतलब धोखा। फलतः इस संसार रूपी सागर को धोखे के पत्थरों से भरी अंतःकरण रूपी नौका से, यानी कौन से पत्थर हैं, विषय वासनाओं और विकृतियों के पत्थर, बुरी प्रवृत्तियों के पत्थर से पार करने के प्रयास में अंत में भव सागर में ही डूब गए। तो पत्थर से भरी हुई जो नाव है वो पाप से भरे हुए हृदय का प्रतीक है, यानी इस साखी में प्रतीकात्मकता है। आगे चलते हैं, 64 दीवा जोए करे 14 चंदा माए, तेह घरे किसको चानिड़ो जिह घरे गोविंद नाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के पास भले ही 14 चंदा हो, 14 चंदा का मतलब है हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार की विद्याएं मानी गई हैं, यानी किसी के पास भले ही 14 प्रकार की विद्याओं का प्रकाश हो, चंद्रमा यानी प्रकाश हो, ज्ञान हो, 64 दीवा, और 64 दीवे का मतलब है 64 कलाएं, शास्त्रों में कलाओं की संख्या कितनी मानी गई है, 64 कलाएं, 64 मानी गई है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाहे कोई 64 कलाओं के दिए जोड़ ले या 14 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसके हृदय में गोविंद यानी ब्रह्म का निवास नहीं है, घर मतलब हृदय में गोविंद का निवास नहीं है, तो उस घर में यानी उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में किसी भी प्रकार का चानना यानी प्रकाश नहीं हो सकता। कबीरदास जी कहते हैं किसी के पास 14 चंदा अर्थात 14 विद्याएं, 64 दीवा अर्थात 64 कलाओं का ज्ञान क्यों न हो, किंतु वह ईश्वर का स्मरण नहीं करता यानी उसके हृदय में ईश्वर नहीं है, तो उसके हृदय में किसका प्रकाश हो सकता है, अर्थात किसी का प्रकाश नहीं हो सकता। यहां भी दीवा और चंदा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अगला चलते हैं, निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तव दिष्टि नहीं मंद। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि निसे अंधियारी कारणे, कि निस मतलब रात्रि, रात, अंधियारी यानी अंधेरी, अंधकार से, घने अंधकार से भरी हुई रात्रि थी, और उसमें 84 लाख योनियों के चंद्रमा प्रकाशित कर लिए किसने, जीवात्मा ने, लेकिन फिर भी उस मंद बुद्धि को अपनी वास्तविकता नहीं दिखाई दी, यानी वो 84 लाख योनियों में ही भटकता रहा, यानी जीवात्मा के पास जब अज्ञान का घना अंधकार होता है और वो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बंध करके, 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जिनमें जीवात्मा को घूमना पड़ता है, उनमें घूमता रहता है, 84 लाख योनि रूपी चंद्रमाओं में घूमता रहता है, यानी उन चंद्रमाओं में प्रकाश तलाश करने की कोशिश करता है 84 लाख योनियों में, अति आदुर उदय किया, और उसने बहुत ही व्याकुलता के साथ उस प्रकाश को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी
उसकी दृष्टि उस प्रकाश पर नहीं पड़ी। वो निरंतर प्रयास करता रहा, लेकिन फिर भी वो परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास सद्गुरु नहीं थे और ज्ञान का प्रकाश नहीं था। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान की अंधेरी रात को प्रकाशित करने के लिए जीव ने अनंत व्याकुलता के साथ 84 लाख योनियों रूप चंद्रमा उदित कर लिए, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तब भी उस मंदबुद्धि जीव को दृष्टि नहीं मिली, यानी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश तो गुरु की कृपा और उनके उपदेश से ही संभव है। 84 लख चंद में 84 लाख योनियों का ये प्रतीक है। आगे चलते हैं। भली भई जो गुरु मिलिया, नहीं तर होती हाणे, दीपक दृष्टि पतंग ज्यो पड़ता पूरी जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि ये अच्छा हुआ मेरे जीवन में कि भली भई, यानी बहुत अच्छा हुआ कि मुझे गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, नहीं तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। नहीं तर होती हाणी, यानी मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। दीपक दृष्टि पतंग ज्यो पड़ता पूरी जानी, कैसा नुकसान हो जाता? जिस प्रकार दीपक की ओर ही अपना ध्यान निरंतर लगाए रखने के कारण पतंगा उसकी रोशनी में, उसके प्रकाश में जल करके अपने आप को समाप्त कर लेता है, उसी तरह से मेरा ध्यान निरंतर सांसारिक विषय वासनाओं में ही लगा रहता और मैं उनमें गिरकर अपने आप को समाप्त कर लेता, नष्ट कर लेता और मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे अच्छी घटना ये हुई कि मुझे सद्गुरु मिल गए, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ी नुकसान की हानि की बात हो जाती। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छा हुआ कि संसार सागर में भटकते हुए मुझे गुरु मिल गए, अन्यथा मुझे बहुत हानि होती, अर्थात मैं अन्य जीवों के समान सांसारिक माया मोह में अपने पूरी शक्ति से गिर पड़ता और उसकी आग में दीपक की लौ में पतंगे की तरह जलता रहता। जिस प्रकार पतंगे की दृष्टि निरंतर दीपक की लौ की तरफ होती है, फलतः वो उसी में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया मोह की ओर ही दृष्टि लगाए रखता और अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उसी में गिरकर जन्म जन्मांतर तक जलता रहता। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों में उपमा अलंकार है और छे का अनुप्रास अलंकार है दीपक और दृष्टि में। आगे चलते हैं। माया दीपक, ये तो साखी आपने बहुत पढ़ी होगी बच्चों। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक हाद उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक माया है ये दीपक के समान है और मनुष्य जो है वो पतंगा है। जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ पर ध्यान निरंतर लगाए रखने के कारण भ्रमवश उसी को अपना सही मार्ग मानकर उसमें गिरकर अपने आप को इवेपड़ंत उसमें गिरता है और अपने आप को भस्म कर लेता है, उसी तरह से मनुष्य भी इस सांसारिक माया मोह को ही अपना वास्तविक लक्ष्य मानकर उसकी तरफ अपना ध्यान लगाए रखते हैं और उसमें गिरकर अपने आप को जन्म और मृत्यु के बंधन में भटकते भटकाते रहते हैं और मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे विरले ही लोग होते हैं जिनको सद्गुरु प्राप्त होते हैं और उनके सद्गुरु के ज्ञान से, उनके उपदेश से इस संसार में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से कोई एक आध ही, यानी कोई विरला ही व्यक्ति इस संसार सागर से मुक्त हो पाता है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक एवं मनुष्य पतंगे के रूप है। पतंगे के समान मनुष्य भी बार बार भ्रमवश माया रूपी दीपक में गिरकर सांसारिक आग में जलकर भस्म होता रहता है, अर्थात भ्रमवश सांसारिक विषय वासनाओं को सत्य मानकर 64 लाख योनियों में भटकता रहता है। गुरु के ज्ञान से कोई एकाध मनुष्य ही सांसारिक विषय वासनाओं की आग में जलने से बच पाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माया दीपक में रूपक है, नर पतंग में रूपक है, भ्रमी भ्रमी में पुनरुक्ति है। आगे चलते हैं। सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य ही माहे चूक, भावे त्यों प्रमोद ले ज्यो बंसी बजाई फूक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई शिष्य योग्य नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, तो उसका उद्धार सतगुरु बेचारा बपुरा, यानी बेचारा सतगुरु उसका उद्धार कैसे करे। तो वो कहते हैं सतगुरु बपुरा क्या करे, सतगुरु बेचारा क्या करे, अगर शिष्य में ही चूक है, यानी कमी है, खोट है, दोष है। भावे त्यों प्रबोध ले, क्योंकि वो जो अच्छा लगता है गुरु की, जो बात अच्छी लगती है
उसे तो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और जो अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देता है, कभी इस मत को मानता है कभी उसकी बात को मानता है, यानी एकनिष्ठ होकर गुरु की बातों को नहीं सुनता। कैसे? ज्यों बंसी बजाई फूंक, जिस प्रकार बांसुरी में जितनी फूंक मारे जो व्यक्ति उसके हिसाब से वो आवाज़ देने लगती है, उसी तरह से जो दोषी शिष्य होता है, जो सही जिज्ञासु शिष्य नहीं होता, वो इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, एकनिष्ठ होकर गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर शिष्य ही गुरु के प्रति समर्पित और जिज्ञासु नहीं है, अर्थात शिष्य में ही कमी है, तो बेचारा गुरु क्या कर सकता है, क्योंकि अयोग्य शिष्य बार बार समझाने पर भी गुरु के उपदेश को स्थायी रूप से ग्रहण नहीं कर पाता। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बांसुरी फूंक मारते ही बजने लगती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने अनुसार बजाता रहता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व से रहित शिष्य कभी एक के उपदेश पर चलता है तो कभी दूसरे के, फलतः उसे भटकन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ज्यों बंसी बजाई फूंक में क्या है? उपमा अलंकार है। आगे चले। संशय खाया सकल जुग, संसा किनऊ न खद, जे भेदे गुरु अखिरा तिन संसा चुन चुन खद। संशय यानी संशय, संदेह, कि सारे संसार को, संशय खाया सकल जुग, संपूर्ण संसार कैसा है? संशय के द्वारा खाया जा रहा है, यानी संशय ग्रस्त है। संसा किनऊ न खद, लेकिन इस संसार में कोई भी व्यक्ति संशय को खद यानी समाप्त नहीं कर पाया। जे बेदे गुरु अखिरा, अब किस कौन समाप्त कर पाया? जिन्हें, जिन मनुष्यों को, जिन व्यक्तियों को गुरु के अखिरा यानी उपदेश प्राप्त हो गए, उपदेश रूपी बाण ने जिनको भेद लिया, उन वे मनुष्य संसा को यानी संशय को चुन चुन कर नष्ट करने में समर्थ होते हैं। भावार देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार संशयग्रस्त है, कोई भी संशय को समाप्त नहीं कर पाया। जिन मनुष्यों के अंतःकरण गुरु के उपदेश के अखिरा यानी अक्षर, शाब्दिक अर्थ अक्षर है और वैसे उपदेश, गुरु के उपदेश के अक्षरों से बिंद गए, अर्थात जिन्होंने गुरु के उपदेश को अच्छी तरह समझ लिया, वे ही इस संशय को चुन चुन कर समाप्त कर पाए हैं, अर्थात अक्षर तत्व यानी, अक्षर तत्व यानी परम तत्व, परमात्मा की अनुभूति कर पाए हैं। अब यहाँ पर वृत्यानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलें। चेतन चौकी बैसिकर सतगुरु दीना धीर, निर्भय होए निसंक भज केवल कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे चेतन यानी संपूर्ण चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर, चेतन चौकी बैठकर चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर मुझे धैर्य बंधाया, धीरज दिया, धैर्य बंधाया, और क्या कहा कि निर्भय यानी भयों से मुक्त हो जा, निशंक सभी प्रकार की शंकाएं अपनी मिटा दे, और केवल ईश्वर का ध्यान कर। केवल कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा मेरे गुरु ने मुझसे कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि चैतन्य की चौकी पर बैठकर अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर गुरु ने शिष्य को धैर्य प्रदान किया, अर्थात उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया और उसे भय और आशंकाओं से रहित होकर एकाग्र भाव से परम तत्व का ध्यान करने के लिए कहा, क्योंकि वही परम सत्य है। भय में से एक से हटा देंगे, भय से द्वैत भाव उत्पन्न होता है। द्वैत भाव क्या होता है दोस्तों? द्वैत भाव को समझ लेंगे। द्वैत भाव है दो का भाव। दो का भाव का मतलब है कि सभी को, सारे संसार की चीजों को पहली बात अलग अलग समझना, कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो द्वैत भाव है। आत्मा को अलग समझना, परमात्मा को अलग समझना, ये द्वैत भाव है। लेकिन जब इसका किसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब जीवात्मा, आत्मा जो है वो परमात्मा के अंश के रूप में दिखाई देती है और संसार के प्रत्येक व्यक्ति में क्या दिखाई देने लगता है? परमात्मा का अंश दिखाई देने लगता है, यानी वो भेद, वो द्वैत भाव, वो दो का भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो जब तक हम भय से ग्रस्त रहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, तब तक हम में द्वैत भाव बना रहता है। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार हैं। आगे चले। सतगुरु मिलिया का तका भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कब पड़ा, क्या करे बेचारी चोल। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु मिल गया तो क्या हुआ? सीधी सीधी शब्द आराम से समझ में आ रहा है। सतगुरु मिलिया तो का भया, कि सतगुरु मिले तो क्या हुआ? जे मन पाड़ी भोल, जब शिष्य के मन में ही भ्रम है,
भटकन है, दोष है, तो बेचारा सतगुरु क्या करेगा? पासे बिनंठा कपड़ा क्या करे बेचारी चोल। चोल का मतलब होता है मजीठ, जो पुराने समय में लाल रंग से कपड़ा रंगने के काम में आती थी। पासी यानी मैल से युक्त, गंदगी से युक्त, गंदा कपड़ा। बिनट्ठा यानी फटा हुआ, जर्जर। अब समझ लीजिए इसको, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु अगर मिल भी जाएं, लेकिन शिष्य भ्रमित है, भटका हुआ है, तो सतगुरु उसका उद्धार नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे कोई भी वस्त्र अगर हमें रंगना है, लेकिन रंगने से पहले ही वो मैल से विकृत हो गया है, विकारग्रस्त हो गया है, खराब हो गया है, तो उसमें, और फिर उस पर अगर अच्छा रंग नहीं चढ़ता, तो उसमें मजीठ का कोई दोष नहीं है, यानी रंगने की जो वस्तु है मजीठ, उसका कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार अगर शिष्य में खोट है, दोष है, तो सदगुरु के प्रयत्न करने पर भी अगर वो सन्मार्ग पर नहीं आता, तो इसमें सदगुरु का दोष नहीं है, बल्कि शिष्य में ही दोष है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों के चित्त भ्रमित हैं, जिनमें गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का अभाव है, उन मनुष्यों को सदगुरु मिल भी जाए तो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यदि वस्त्र रंग चढ़ाने से पहले ही मैला हो चुका है, अर्थात फट चुका है, तो उसमें सुंदर रंग देने वाला मजीठ बेचारा क्या कर सकता है? इसी प्रकार विषय वासनाओं में भटके मनुष्य को सदगुरु भी ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार की एक पहचान ये होती है दोस्तों कि ऊपर एक बात कही जाती है, पहले कथन, और उसके बाद उसी से मिलता जुलता जो कथन है वो कहा जाता है, जिससे कि पहले के कथन की पुष्टि होती है। और दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होना चाहिए। बिंब प्रतिबिंब भाव क्या होता है? जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, ऐसे ही दोनों वाक्य एक दूसरे की प्रतिच्छवि दिखाते हुए प्रतीत हों, भाव की दृष्टि से वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो शिष्य की कमजोरी, शिष्य दोषपूर्ण है, तो सदगुरु क्या कर सकता है, इस बात की पुष्टि नीचे कपड़े के माध्यम से बताई गई है। यानी दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। आगे चले। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा तब उतरे पड़े फरक के। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो डूब रहे थे संसार सागर में, लेकिन उबर गए, बच गए हम डूबने से। कैसे? गुरु की लहर चमक। जब संसार सागर में हम डूब रहे थे तो हमें एक गुरु के प्रकाश की जो चमक थी, लहर की जो चमक थी, वो हमें दिखाई देने लगी, और हमें तत्काल गुरु की जो लहर थी, ज्ञान की लहर, चमकीली प्रकाश से युक्त, उस को देखते ही हमें ये ज्ञान हो गया कि हम जिस बेड़े पर, जिस जहाज पर सवारी करके इस संसार सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेड़ा, भेरा यानी बेड़ा यानी जहाज, वो बेड़ा तो पहले से ही जर्जर है, यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। कौन से बेड़े की बात हो रही है? सांसारिक विषय वासनाओं का बेड़ा। तो हमने क्या किया? हमको जैसे ही पता चला कि हम जिस बेड़े के सहारे संसार सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पहले से ही जर्जर हो चुका है, तो हम तुरंत फुर्ती से, फरक के यानी फुर्ती से, उस बेड़े से उतर गए और गुरु की शरण में आ गए। भावार देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस संसार रूपी सागर में डूबने ही वाले थे कि गुरु कृपा की एक लहर हमें दिखाई दे गई। गुरु कृपा से तत्काल हमें ज्ञान हुआ कि हम जिन वेद शास्त्र आदि बेड़े से संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयत्न कर रहे थे, वह तो जीर्ण शीर्ण है, अतः हम तो तत्काल उससे कूद पड़े। अभिप्राय यह है कि केवल गुरु कृपा से ही भव सागर को पार किया जा सकता है। रूपका तिश्योक्ति अलंकार। आगे चले। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। बहुत ही अच्छी बात, अहम के विलय की बात यहां पर की जा रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं। भिन्न क्या है? माया से उत्पन्न ये जो शरीर है, आकार मतलब माया जनित शरीर, माया जनित ये जो शरीर है, ये दूसरा है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर से मिलने में रुकावट उत्पन्न करता है। तो जब कोई भी व्यक्ति
आपा मेट, यानी अपने अस्तित्व को मिटा दे, यानी अपने अहम का विलय कर दे, अहम को समाप्त कर दे, मेट, और जीते हुए भी मर जाए। जीते हुए भी मरने का क्या अर्थ है? यानी संसार में जीवित रहे लेकिन सांसारिक विषय वासनाओं का भोग न करे, ऐसे जीते हुए भी मर जाए तो उसे करतार यानी परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं। इस माया से उत्पन्न शरीर से ही द्वैत यानी भिन्नता दिखाई देती है। द्वैत की बात मैं आपको समझा चुकी हूं। यदि हम अहम भाव को मिटाकर अपने पराये जैसे द्वैत भाव से ऊपर उठ जाएं तभी हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास हो रहा है। इस अलंकार की चर्चा भी हम कर चुके हैं, जीवत और मरे में विरोधाभास अलंकार है। आगे चलें। कबीर सतगुरु ना मिलिया रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहर कर घर घर मांगे भीख। अब जो आजकल ढोंग करते हैं सन्यासी होने का, यति होने का, उन पर व्यंग्य चोट की जा रही है कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो घर घर जाकर भीख मांगते हैं लोग और सन्यासी का ढोंग करते हैं, वास्तव में इनको कोई श्रेष्ठ सतगुरु मिला ही नहीं, तो इनकी शीश यानी जो शिक्षा है वो अधूरी रह गई है। इसलिए पूरी शिक्षा प्राप्त न होने के कारण, पूरा ज्ञान प्राप्त होने के कारण ये जति यानी सन्यासी का ढोंग करते हैं, स्वांग यानी ढोंग करते हैं और घर घर भीख मांगते फिरते हैं। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे चलते हैं। सतगुरु सांचा सूर्यवां, ताते लोही लुहार, कचड़ों दे कंचन किया, ताए लिया तत्सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो सतगुरु है वो सच्चा शूरवीर है। लोहार तो क्या करता है? लोहे को गर्म करता है, ठोक पीट कर उसे एक सुंदर आकार देता है। लेकिन मेरे सतगुरु में इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो मेरे शरीर से, मेरे इस लोहे जैसे विकारग्रस्त शरीर से को तपाता है अपनी ज्ञान की आग में और उससे सार ग्रहण कर मुझे कंचन के समान चमकदार और निर्मल करता है, मुझे कसौटी पर कसता है। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु सच्चा वीर है, वह शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपा तपा कर लोहे से कंचन बना देता है, अर्थात उसे ज्ञान और भक्ति की कसौटी पर कसकर कंचन के समान विकार रहित चमकदार मूल्यवान बना देता है। यह कार्य तो लोहार भी नहीं कर पाता, वह तो केवल लोहे को तपा कर पीट पीट कर उसे सुंदर आकार दे सकता है किंतु लोहे को सोना नहीं बना सकता। विकृतियों से युक्त शरीर को कंचन बनाने का की सामर्थ्य केवल और केवल गुरु के पास है। वृत्यानुप्रास और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। थापण पाई थिति भई सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बणजिया मान सरोवर तीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति मिल गई है। थापण यानी स्थापना, कबीर ने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मेरी स्थिति अब मजबूत हो गई है क्योंकि मैं अपने सद्गुरु के प्रमुख शिष्यों में से हूँ और सद्गुरु ने मुझे धैर्य प्रदान किया है, आश्वासन दिया है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। कबीर हीरा बणजिया, अब मैं हीरों का व्यापार कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है और मैं क्या कर रहा हूँ, मानसरोवर के किनारे बैठकर, मानसरोवर यानी शुद्ध हृदय का संकेत है ये, मुक्त अवस्था में जब जीवात्मा पहुंचता है तो ऐसा माना जाता है कि वो हंस के समान मानसरोवर में विचरण करता है। तो कबीरदास जी उसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि शुद्ध हृदय से अब मैं यहाँ मानसरोवर के किनारे बैठकर हीरों का व्यापार कर रहा हूँ, यानी अपनी सद्वृत्तियों को का प्रयोग कर रहा हूँ और आनंद प्राप्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं परम ब्रह्म का निरंतर साक्षात्कार कर रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है, गुरु ने मुझे धैर्य प्रदान किया है, अतः कबीर विकार रहित होकर आत्मस्वरूप में दृढ़ता से स्थिर होकर मानसरोवर के तट पर हीरे का व्यापार कर रहा है, अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप सागर में आनंद ले रहा है। आगे चलें। निःचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी मैं साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के साहस और धैर्य के फलस्वरूप, साहस और धैर्य के फलस्वरूप मुझे क्या हो गया है, मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। तत् यानी परमात्मा, निश्चल हो गई है, स्थित हो गई है। निपजी मैं सांझी गड़ा, और मुझे उस परम
आनंद की प्राप्ति हो गई है कि मुझे जो आनंद मिल रहा है उसमें इस संसार के बहुत सारे लोग साझीदार बनने चाहते हैं, लेकिन मैं कबीर अपने उस आनंद को यानी परम तत्व के साक्षात्कार से उत्पन्न जो आनंद है उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के साहस और धैर्य के फलस्वरूप मेरी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई है, निःचल निधि मिलाई तत्, यानी ब्रह्म में लीन हो गई है। इस महामिलन से उत्पन्न अलौकिक आनंद के भागीदार बनने के लिए अनेक व्यक्ति व्याकुल हैं, किंतु कबीर इस आनंद को बांटने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि परम तत्व का आनंद दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्वयं की आत्मा को का ब्रह्म से साक्षात्कार होना आवश्यक है। अनुप्रास अलंकार का यहां प्रयोग है, आप देख ही रहे हैं। चौपड़ मांडी चौहटे अरध उरध बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। अब देखिए ये जो साखी है दोस्तों, इसके दो अर्थ हैं, एक तो ज्ञान परक अर्थ और एक काया परक अर्थ, और दोनों अर्थ लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। तो ज्ञान परक अर्थ क्या है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो संसार है, इस संसार के चौहटे यानी चौराहे पर चौपड़ का जो खेल है वो बिछा हुआ है, और इसके ऊपर और नीचे अरध और उधर बाजार है, बाजार है। कहे कबीर राम जन के, कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम के भक्त हैं यानी जो परम तत्व को जानने वाले हैं वो संत लोग विचार कर यानी सोच विचार कर खेल खेलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि इस खेल में अगर धैर्य पूर्वक सोच विचार कर इस खेल को नहीं खेला गया तो पराजित होकर अधोगति को प्राप्त किया जा सकता है, और अगर सोच विचार कर समझदारी से खेला गया यानी विषय वासनाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ा गया तो निश्चित रूप से हम अपनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो सकते हैं, यानी परम ब्रह्म के साक्षात्कार की स्थिति तक जा सकते हैं। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि जगत रूपी चौराहे पर जीवन रूपी चौपड़ का खेल रचा गया है, इसके ऊपर और नीचे बाजार है। कबीर भक्तों और संतों को विचार पूर्वक खेलने की सलाह दे रहे हैं। बाजार ऊंचा नीचा होता रहता है, आप भी आजकल देखते हैं शेयर मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे, तो उसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि बाजार ऊंचा नीचा होता रहता है, अर्थात यहाँ इस खेल में जीवात्मा कभी ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है और कभी निम्न गति को प्राप्त होती है। तो इसलिए सोच विचार कर खेलने की आवश्यकता है ताकि हम केवल ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त हों। काया योग परक अर्थ क्या है कि त्रिकुटी के चौराहे पर, त्रिकुटी यानी भौहों के बीच का जो स्थान है योग में उसे त्रिकुटी कहा गया है, और इसके ऊपर यानी हमारे मस्तक पर सहस्त्रदाल कमल होता है, जहां पर कि ऐसा माना जाता है कि आनंद की अवस्था में प्राप्त व्यक्ति ही, आनंद की अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही पहुंच पाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि त्रिकुटी के चौराहे पर साधना की चौपड़ सजी है, साधक शून्य शिखर की ओर भी बढ़ सकता है। शून्य शिखर यानी सहस्त्रदल कमल की ओर, सहस्त्रदल घट की ओर, और अधोगति को भी प्राप्त हो सकता है यानी नीचे भी गिर सकता है, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त भी हो सकता है। ये एक रहस्यवादी अभिव्यक्ति है। रहस्यवादी अभिव्यक्ति को बिल्कुल सरल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जब आत्मा परमात्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप की बात की जाती है और वो बात क्योंकि आसानी से सहज रूप से समझ में आने वाली नहीं होती तो वहाँ रहस्यवाद की कल्पना की गई है, रहस्यवाद मान लिया गया है विद्वानों के द्वारा। आगे चलें। पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दावा बताइया खेले दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस चौपड़ के खेल को खेलने के लिए प्रेम का पासा पकड़ा है और अपने इस शरीर को गोटी बना लिया है। खेलने के लिए गोटियों की जरूरत होती है, लूडो वगैरह खेलते हैं तो गोटियों से खेलते हैं ना, तो वही बात है यहां पर, प्रेम के तो पासे हैं और गोटी शरीर को बना लिया है। कबीरदास जी कहते हैं और मेरे जो सदगुरु हैं वो मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं, वो मुझे दाव बताते जा रहे हैं कि कब मुझे कौन सी चाल चलनी है, वो मेरे सदगुरु मुझे बता रहे हैं और मैं कबीरदास उनके आदेशानुसार उनके निर्देशानुसार इस चौपड़ के खेल को खेल रहा हूँ। भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस चौपड़ के खेल को खेलने के लिए प्रेम के पासे बना लिए हैं और शरीर की गोट बना ली है। सदगुरु शिष्य कबीर को दाव अर्थात चाल चलने की सीख देते जा रहे हैं और कबीरदास सदगुरु के निर्देशानुसार खेलते जा रहे हैं। भाव ये है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योग साधना शुरू कर दी है। योग साधना क्यों शुरू की है? परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। सांग रूपक अलंकार है। आगे चले।
सदगुरु हमसु रीझ करे एक कया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हमसे एक दिन बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर रीझ कर यानी मेरी योग्यता, मेरी सामर्थ्य, मेरी क्षमताओं पर आनंदित होकर के उन्होंने मुझसे परमात्मा के साक्षात्कार का एक रोचक प्रसंग कह डाला, यानी एक गहन अभिव्यक्ति मेरे सामने प्रकट कर दी और उस बात को सुनकर, उस प्रसंग को सुनकर मेरे मन में जो आनंद का संचार हुआ उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे ऊपर अलौकिक प्रेम का बादल बरस गया हो और उस प्रेम की, परमात्मा के प्रेम की जो वर्षा है उसमें मेरे अंग प्रत्यंग भीग गए, यानी मैं पूरी तरह से परमात्मा के ब्रह्म के आनंद में, ब्रह्मानंद में सराबोर हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति का एक सरस प्रसंग बताया है, उस प्रसंग को सुनकर मेरे ऊपर भगवत प्रेम की वर्षा हुई और मेरा अंग प्रत्यंग उसमें भीग गया है। रूपक के द्वारा भक्ति और प्रेम का यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन राय। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ईश्वर के प्रेम का, ब्रह्म के प्रेम का बादल आकर के बरस गया, पर यानी ऊपर, और उस वर्षा से मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से भीग गई और समस्त वन प्रदेश, वनराय यानी वन प्रदेश, वन प्रदेश का प्रतीकार्थ क्या है, हृदय और जगत सब हरी भरी हो गई, यानी इतना आनंद का संचार उस प्रेम के बादल की वर्षा के फलस्वरूप कबीर के हृदय में हुआ कि उन्हें न केवल हृदय में आनंद की अनुभूति होने लगी बल्कि संसार में जहां जहां वे दृष्टि दौड़ाते उन्हें सर्वत्र आनंद ही आनंद। हरी भरी वन राय होने का मतलब है सर्वत्र उन्हें प्रकृति के, सृष्टि के कण कण में आनंद ही दिखाई देने लगा। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के प्रेम एवं उनकी कृपा का बादल आकर हम पर बरस गया है, उस प्रेम रस की वर्षा में मेरी अंतरात्मा पूरी तरह भीग गई है और मैं आनंद से भर गया हूँ। इसी आनंद से संपूर्ण वनराजी यानी वन प्रदेश मुझे आनंदमय प्रतीत होने लगा है। बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। पूरे सू परचा भया सब दुख मेलिया दूर, निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हुजूर। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अब सतगुरु की कृपा से मेरा पूरे से परिचय हो गया है। पूरा क्या है, ब्रह्म, उससे परचा यानी परिचय हो गया है और ब्रह्म से साक्षात्कार होने के कारण, ब्रह्म से परिचय होने के कारण मेरे सारे जो दुख हैं वो दूर हो गए हैं, यानी सांसारिक विकृतियां समाप्त हो गई हैं और निर्मल कीनी आत्मा, और मेरी आत्मा पूरी तरह से पवित्र और निर्मल हो गई है और अब उस आत्मा में, क्योंकि पवित्र हो गया है हृदय तो उसमें सदा हुजूर। देखिए अरबी, हमने पढ़ा था कि कबीर की भाषा में अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं तो ये हुजूर जो शब्द है वो फारसी का शब्द है। निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हुजूर, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा ब्रह्म से परिचय होने के बाद इतनी निर्मल, इतनी पवित्र हो गई है, इतनी विकार रहित हो गई है कि मेरे हृदय में सदैव हुजूर यानी ब्रह्म का निवास रहता है, यानी मेरा चित्त हमेशा ब्रह्म में ही लीन रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से उस पूर्ण तत्व से मेरा परिचय हो गया है, इससे मेरे समस्त दुख दूर हो गए हैं, मेरी आत्मा निर्मल हो गई है, अब मेरा अंतःकरण सदैव ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित रहता है, अर्थात भगवत प्रेम के ध्यान में ही लगा रहता है, उन्हीं का साक्षात्कार करता रहता है। तो दोस्तों, ये हुई आज कबीर की चर्चा और इसमें हमने आज पूरे गुरुदेव को, अंग को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिस तरीके से आपने सिलेबस के बारे में उस दिन बार बार पूछा था, बार बार सूचनाएं दी थी, उसी तरह से अपनी मुश्किलों के बारे में भी सूचनाएं दीजिए ताकि समाधान हो सके। और अगले सत्र के इंतजार में रहिए।